नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा ना आपको अपना पोर्टफोलियो शो करता हूँ। जब भी कोई नई बाई करता हूँ या जो है गिरावट में जो है एवरेज करने की कोशिश करता हूँ, तो सभी के सभी शेयर जो है आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में भी हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी की अगर बात करें तो आज 271 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, मतलब कि 1.63% के आसपास की गिरावट। 16,411 का लेवल पे जो है इसने अचीव कर लिया है गिरावट में। और यदि बात करें, मैं बता दूं कि गिरावट का तो पता नहीं दोस्तों कि कितनी गिरावट होगी मार्केट में, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आप इस गिरावट का जो है धीरे धीरे फ़ायदा उठाते रहिए। एक तो स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, ताकि जो है आने वाले टाइम में जब भी मार्केट जो है तेज़ी शो करेगा, दिखाएगा, तब जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो मैं लेकर के चलता हूँ, मैंने जो है कौन से जो है शेयर बाय किए आज। तो मैंने जो शेयर बाय किए थे कल जो मैंने शो किया था वो मैं बता दूँ। कल जो मैंने शेयर बाय किए थे, पहला था यासो इंडस्ट्री, एफल, लार्सन टर्बो इन्फोटेक, लक्ष्मी केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और नौकरी। तो ये पांच शेयर जो है मैंने परचेज किए थे कल के दिन। और आज की बात करें तो 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट मैंने आज भी किए हैं दोस्तों। पहला जो शेयर है वो अल्काइल अमाइन, और इसमें जो है मैंने एक क्वांटिटी उठाई है, ठीक है, क्योंकि इसमें गिरावट जो है अच्छी खासी हो चुकी है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट शायद आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। और रिलैक्सो की बात करें तो पांच शेयर मैंने जो है परचेज किया है 1,069 रुपये के आसपास की एवरेज प्राइस रहा है इन पाँचों का। और यदि बात करें, डीमार्ट का भी एक जो है शेयर लिया है, उसमें जो है 62 रुपये के आसपास लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो है 2 बजे के आसपास जो है इसमें एंट्री ली थी, बाय किया था, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा गिरावट में हुआ है स्टॉक। उसके बाद बात करें, पॉलीकैब के 3 शेयर मैंने उठाए हैं, मतलब कि लगभग 7,000 के आसपास की अमाउंट के 28 रुपये का प्रॉफिट है एक ही दिन में। और यदि बात करें प्रिंस फाइव की, तो एक क्वान्टिटी मैंने इसकी भी उठाई है। यदि बात करें दोस्तों इन कंपनियों की, तो ज़बरदस्त जो है ये कंपनियां हैं फ्यूचर में जो बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के आपको दे सकते हैं। इसमें से आप देखिएगा, तीन तो जो है लार्ज कैप कंपनियां, डीमार्ट, रिलैक्सो और अल्काइल अमाइन। तो मुझे लगता है ये कंपनियां ना आपको बम्पर पैसा बना करके दे सकती है। मैंने जो है लार्ज कैप में ही जो है इन्वेस्ट किया है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे लगता है यदि आने वाले टाइम में जो गिरावट हो भी, तो भी जो है ये शेयर जो है संभाल ले मेरे पोर्टफोलियो को और ज़्यादा गिरावट देखने को ना मिले। इसी के साथ दो जो है मिड कैप स्मॉल कैप भी शेयर लिए हैं, पॉलीकैब और प्रिंस फाइव। और यदि बात करें कल के दिन भी मैंने जो है यासो इंडस्ट्री, मिड कैप एफएल इंडिया, मिड कैप लार्सन टर्बो, लार्ज कैप लक्ष्मी केमिकल जो है स्मॉल कैप, और ये जो है नौकरी, ये लार्ज कैप, 2 लार्ज कैप थे और 3 बाकी थे स्मॉल कैप। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आप इनके साथ जो है रहते हो ना, तो अच्छे खासे जो है प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। अल्काइल अमाइन की बात करें तो 70% की कंपाउंडिंग दी थी इस शेयर ने लास्ट 10 सालों से लगातार। यदि बात करें रिलैक्सो की, तो रिलैक्सो भी अच्छी खासी कंपाउंडिंग दे रहा है, लगभग 40% के आसपास की कंपाउंडिंग दे रहा है लास्ट 10 साल की एवरेज देखें तो, ठीक है। डीमार्ट की बात करें तो एक शेयर है, हाल के सालों में जो है इसकी लिस्टिंग हुई है, तो इसका जो है जो बोलते हैं कंपाउंडिंग सीएजीआर वो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ना सुपर रिटर्न बना करके देने वाली है। क्योंकि एक तो आप देखिएगा कि रिटेल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर ना, वहाँ पे जो स्टोर ओपन हो रहे हैं जगह जगह पे, उसका जो कंपटीशन है किसी भी, मतलब किसी के साथ भी नहीं है इन स्टोर का, डीमार्ट के स्टोर का किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं है। ये जो स्टोर ओपन करते हैं वो कोई दूसरी कंपनी आके करे तो उनके जो स्टोर है वो भी इतने ही चलेंगे और इनके भी जो है इतने ही चलेंगे, इनके बीच में जो कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ यदि बात करें ना पॉलीकैब की, तो इलेक्ट्रिक सेक्टर में जो ये कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है इतना इसमें पोटेंशियल कि आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकती है, ठीक है। प्रिंस पाइप की अगर बात करें तो इसका जो सीएजीआर है वो 50% से ज़्यादा का कंपाउंडिंग है, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी जो है ये मल्टीबैगर रिटर्न बना करके देगा। एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल ने जो रिटर्न दिया है दोस्तों पिछले सालों में, वो 35 से ज़्यादा का कंपाउंडिंग दिया है, मतलब कि 25% का कंपाउंडिंग होता है दोस्तों 10 सालों में 10 गुना पैसा, ठीक है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि 35% यदि वो कंपनी कोई दे रही है सीएजीआर, तो इससे मतलब कितना पैसा बन सकता है, लगभग 15-20 गुना तक जो है 10 सालों में पैसा हो जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप जो है स्टेबल रहिए किसी भी कंपनी के साथ, जो है स्टेबल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट करने के बारे में मत सोचना, सेल करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि जो है मार्केट है लॉन्ग टर्म में हमेशा अपवर्ड मूवमेंट ही दिखाता है।
चाहे कितनी भी गिरावट हो जाए। थोड़ा सा टाइम मांगती है मार्केट यार, आती जो एंट्री लेंगे और तभी हम सोचेंगे कि प्रॉफिट मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या पता उसी टाइम गिरावट हो जाए, क्या पता उसी टाइम जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिले आपको। तो जैसा कि मैं अपना पोर्टफोलियो शो करता हूँ हमेशा, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, और आपको लॉस हो रहा होगा, जाहिर सी बात है सभी को हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ना हिम्मत से लीजिएगा, पेशेंस दिखाइए, लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉफिट होने ही वाला है। और जो है लार्ज कैप और स्ट्रॉन्ग कंपनियों के साथ ज़्यादातर रहिएगा और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, और थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा कम तवज्जो दीजिएगा फिलहाल के टाइम पे। यदि मार्केट स्टेबल होता है और यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट की तरफ चलने की कोशिश करता है, तब जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है लार्ज कैप में ही ज़्यादातर जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने शो किया, जो मेरे पास कंपनियाँ जो है, मैं हमेशा आपको जो है ऐसी कंपनियाँ दिखाता हूँ जो मैं खुद बाय करता हूँ, ठीक है। कभी भी जो आपको ऐसा मतलब दूसरी तरफ लेकर के नहीं जाता, जब भी बाय करता हूँ तो आपके सामने शो करता हूँ कि ये मैंने जो है शेयर बाय किया, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करें ना, तो नौकरी में जो गिरावट हो चुकी है 40% से ज़्यादा की गिरावट है, ठीक है, नौकरी इन्फोएज में। यदि बात करें रोजारी की, 40% से ज़्यादा की जो है गिरावट रोजारी में भी है। इसी के साथ दूसरी कंपनियों की बात करें, तो LTA लार्सन टर्बो इन्फोटेक की बात करें, तो इसमें भी जो 40% के आसपास की जो गिरावट है। H&D फूड्स की बात करें तो 28% की, ठीक है। डीमार्ट में 27% की गिरावट है, ठीक है। और यदि बात करें HLE ग्लास कोट की, तो 38% की गिरावट है। दोस्तों मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जो है ये शेयर जो है कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दे सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अल्काइल अमाइन में जो रिटर्न जो है ऑल टाइम हाई से जो लो है, लगभग 35% के आसपास का लो बना रखा है ऑल टाइम हाई से। दूसरा शेयर बता दूँ बजाज फाइनेंस में 20-25% के आसपास की गिरावट है, और क्लीन साइंस में 30% के आसपास की गिरावट है ऑल टाइम हाई से। डिक्सन में 33% की गिरावट है, हैप्पीस्ट माइंड में लगभग जो है 37% की गिरावट है। और भी दूसरे शेयर की बात करें तो ज़बरदस्त गिरावट है, ज़्यादातर जो गिरावट में है वो इन्फो है 40%, रोजारी 40%, LTI भी 40%, और HLE ग्लास कोट है, इसमें भी लगभग 40% की गिरावट है। तो आप इन चारों शेयर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, यदि आपके पास है तो एवरेज कर सकते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न ये कंपनी आपको बना करके देगी। इसी के साथ जो है आप जो है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो है मार्केट हमेशा अपवर्ड मूवमेंट ही दिखाता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, मेरे पोर्टफोलियो की वीडियो जो है खासकर मैं लेकर आ रहा हूँ आजकल, ताकि आपको जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और कोई भी जो है इन्वेस्ट करने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों कैसा लगा बताइएगा ज़रूर वीडियो, और जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।